गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड बिजी इन योर स्टडी बिकॉज इन नेक्स्ट इन अगस्त योर पीटी फर्स्ट विल बी कंडक्ट, सो प्लीज बी सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडीज. So students, in our third chapter, yesterday we discussed important part of this chapter and important topic of this chapter, and today we discuss the new terms, ठीक है, new words of this chapter. फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. सो फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफ पी टी पी. बार बार तो आप इतना वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो अब इसको बोलते हैं FPPT. ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, तो FPPT को आप एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द मीन ऑफ FPPT, तो आप ये पूरा लिख देंगे. इन दिस सिस्टम हूएवर हैज मोर वोट देन अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर इलेक्टेड. इट में बेटा काउंटिंग बेस को कहते हैं कि जो जिसने पहले जो पहले पहुंच गया वो मतलब उसको विनिंग डिक्लेयर, चाहे बेटा 10 वोट की से आप आगे हो, पर इंडिया के अंदर ये माना गया हमने प्रोपोर्शनल वोटिंग ना लेकर हमने जिसकी मतलब जो चाहे वो 4 वोट से जीत जाए, चाहे वो 100 वोट से जीते, तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग विनिंग कैंडिडेट, ठीक है. दूसरा टाइप होता है बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर डीमार्क्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसे कहते हैं PR. तो इसकी भी डेफिनेशन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ज्योग्राफिकल एरिया को जब हम दोबारा से उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, ये तो आपने सुनी हुई है और आपको इसका पता भी है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. इट मीन्स एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ मेच्योरिटी इंजॉय द वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इन इंडिया ये कितनी है बेटा, ये जो है कितनी है, 18 है, और अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग होती है. डेमोक्रेसी अ रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल. वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब इसे लिख देंगे इट इज अ रूल फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, दीज आर द न्यू टर्म्स इन योर थर्ड चैप्टर्स. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस टर्म्स, है ना. डेमोक्रेसी भी आपको पता था, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज भी पता था, तो PR है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है. लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, डीमार्क्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर है आपका फर्स्ट पास एंड पोस्ट FPPT. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम हूएवर द मोर वोट देन अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड पास्ट इलेक्टेड, ठीक है. तो ये है आपका प्रोपोर्शनल वो. तो ये आपके देखो कितने सारे ये जो है ना वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो इसमें रेडी हो रहे हैं, ठीक है. अब है बेटा इंडिया के अंदर आप देखोगे विच इज द फॉलोइंग रीअसेंबल मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. फैमिली मीटिंग, क्लास मॉनिटर, कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टेकन बाय ग्राम सेवा, ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय द मीडिया.
तो इसमें आएगा डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, डिसीजन टेकन बाय ग्राम सभा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इनमें से आप बताइए कौन सा काम जो है वह इलेक्शन कमीशन जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट, सेटिंग अप पोलिंग बूथ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल ऑफ कंडक्ट, सुपरवाइजिंग द पंचायती इलेक्शन एंड सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन। तो बेटा ये सारे काम तो करता है कौन, है ना, बट ये जो पंचायती इलेक्शन में जो आपका इलेक्शन कमीशन रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ऑफ मेथड इलेक्शन मेंबर लोकसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। एवरी सिटीजन अबव 18 हैज एलिजिबल वोटर, वोटर कैन गिव इन परफॉर्मेंस ऑर्डर टू डिफरेंट कैंडिडेट, एवरी वोट हैज इक्वल वोट, द विनर मस्ट गेट मोर देन हाफ द वोट, एवरी इंडियन सिटीजन अबव द 18 इज एलिजिबल फॉर द वोटर। नाउ वी डिस्कस अनदर वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, लाइक वॉट इज द मीन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ग्रीस। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इंडिया में कौन सी है बच्चों, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
out your queries. Okay, have a nice day.